जो देख सकते हो। तो गाइज यार यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक सेटअप तैयार किया है जो कि एक ये जो है वूफर है, केवल इससे बेस निकलेगा, और ये एक ट्यूटर मैंने बनाया है, और ये जो है एक स्पीकर, केवल इससे बेस आने वाला है और इससे जो है केवल झनकार आएगी। मैं सभी का आवाज़ आप लोगों को वन बाय वन करके सुना दूंगा, और सभी के वॉल्यूम भी अलग अलग हैं। यहाँ पर जो है इससे केवल साउंड आएगी। तो चलिए हम लोग सॉन्ग एक प्ले कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हो इसका साउंड कितना बेहतरीन है। अब जो है मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ इनका प्रोसेस क्या है और ये काम कैसे करते हैं। देखिए देखिए ये बेस का वॉल्यूम है, यहाँ से केवल और केवल बेस जाता है, यानी कि जितना आपको बेस चाहिए उतना आपको बेस ले सकते हैं और आवाज बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, बेस को मैं फुल करता हूँ और आवाज को फिर से। और ये वॉल्यूम है जिससे केवल और केवल साउंड निकलने वाला, यानी कि आवाज निकलने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं। अब जो है मैंने आवाज को बंद कर दिया और बेस को बंद कर दिया, और ये है ट्यूटर। देखो इसमें से केवल ट्यूटर की आवाज आएगी, और इसका वॉल्यूम जो है यहाँ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। देखिएगा कम या ज्यादा होगा, जैसे मैं कम ज्यादा करूंगा। देखिए अब आवाज बढ़ाऊंगा मैं, अब बेस बढ़ाता हूँ बेस। अगर आप लोगों को कमेंट करेंगे तो मैं इस तरह का सेटअप और पूरी मैंने इसमें क्या क्या चीजें यूज की हैं वो सभी चीजें जो है मैं इसमें बताऊंगा, और कितनी आईसीज लगी हैं, क्या क्या बेस फिल्टर लगा है, और कितनी बेस ट्रेबल लगी हैं, क्या किटें लगी हुई हैं सारी, और एकदम होम थिएटर की जैसा जो है ये साउंड करेगा, उससे भी बेहतरीन। 12 वोल्ट से चलेगा ये, मैंने इसे टैक्सी या गाड़ी में बजाने के लिए जो है मैंने इसे बनाया है। और मैं फिर से चेक करके दिखा देता हूँ, साउंड काफी बेहतरीन होने वाली है इसकी। अगर आप लोग हेडफोन लगा के यूज करेंगे तो इसके बेस का पता चलेगा आप लोगों को कि बेस कितना बेहतरीन दे रहा है और कैसे ये सब मैंने किया है। अगर कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, क्योंकि वीडियोस इस तरह के वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी होती हैं, इन पे घंटों घंटों काम करना पड़ता है, तब इस तरह से एक सेटअप तैयार होता है 12 वोल्ट से चलाने के लिए।